सर, अगर आप हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं, महापुरुष छोड़िए, अगर आप शिव जी को देखें तो शिव तो क्या हो रहा है सर? अगर आप शिवजी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा स्पीकर सर, कहां कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है। सर, कहां कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार, अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने राम भगवान भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्त धून करना, सारे नियम इनके इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती। ठीक है सर, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, आप ही किताब राम भगवान की जन्मभूमि ने, अपेक्षा करता हूं कि अपन इसके नियम प्रक्रिया चले। नौ सब चले, नौ आपने बताया था नियम, नौ माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए, बैठिए सर, ये ऑफ हो, प्लीज माने बैठिए प्लीज। ये बार कई बार विषय उठ गई और बहुत गंभीर, और माननीय सदस्य आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रह पूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाए। नो प्लीज बात सुनिए, आसन पर सभी दल के, प्लीज आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है, और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी, कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है
कि आप लोकसभा की प्रक्रिया का संचार नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें, और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो, यह आपसे अपेक्षा की जाती है। सर मेरा, मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई है कि माइक ऑफ हो जाता है, मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, अरे ये प्रधानमंत्री मोदी के टाइम में आधा आधा पैर आएगा क्या? तो अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया, और ये